हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जसवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होटल एंड जर्नी ट्रैवल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं थाई पास कैसे अप्लाई करते हैं। थाईलैंड ट्रैवल करने के लिए थाई पास कंपलसरी रहता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पर थाई पास कैसे अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, थाईलैंड ट्रैवल के लिए सबसे पहले हमें थाई पास चाहिए होता है, होटल कंफर्मेशन वाउचर चाहिए होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, वैक्सीन सर्टिफिकेट, रिटर्न फ्लाइट टिकट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ अगर हम वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट रहेगा और 20,000 थाई बाट सो मनी के लिए। और आज हम जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं ये स्पेशल थाई पास के लिए है, कैसे थाई पास अप्लाई करते हैं, कोई भी इसको ईजी अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जो थाई पास के लिए हमें चाहिए होता है, पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है, वैक्सीन सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग। तो आइए हम आपको थाई पास के बारे में बताते हैं कैसे अप्लाई करना होता है। ये जो लिंक है इसको कॉपी कीजिए और अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, तो इसमें एक लिखा रहा है लैंड ट्रैवल और एयर ट्रैवल, तो मोस्टली फ्लाइट से ही जाते हैं, तो हम फ्लाइट वाले पे ट्रैवल पे क्लिक करेंगे और इसको हम रीड कर लेंगे। अगर इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट योर सिम्पटम, बिगिन रजिस्ट्रेशन। ये लिस्ट आ गई, कंडीशंस आ गई, डॉक्यूमेंट्स आ गई, क्या क्या चाहिए इसे रीड कर सकते हैं। आप इसमें जाके सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, और इसको ओके कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए। अभी इसमें ये फॉर्म आपके सामने खुलेगा, ट्रैवल प्लान डिपार्चर फ्रॉम कंट्री एरिया, कौन सी कंट्री से आप डिपार्चर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडिया। अदर विजिटेड कंट्री विद इन 14 डेज बिफोर अराइवल, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना है, अगर कि आपने ट्रैवल किया है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फर्स्ट अराइवल पोर्ट इन थाईलैंड सिटी, थाईलैंड में हम कहाँ पे लैंड कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये आ जाएगा हमारा स्वर्णभूमि बैंकॉक एयरपोर्ट। फ्लाइट नंबर, जिस भी फ्लाइट से आप जा रहे हो इसमें फ्लाइट डाल सकते हैं, जैसे अभी हम इसमें एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। डेट ऑफ अराइवल, ये हम वहाँ पे कब अराइव हो रहे हैं, अप्रोक्स आइडिया से आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो। जैसे आपका ट्रैवल है 25 जून का, तो 25 वहाँ पे पहुँचे तो 25 जून डाल सकते हैं। रजिस्टर, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है आपको, जिसमें पर्सनल वैक्सीन इंश्योरेंस उधर टाइटल में जैसे हम अपना नाम डाल देते हैं मिस्टर, गिवन नेम में जसवीर, नेम में सिंह डाल देते हैं, नेशनलिटी में इंडिया, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं 5 जुलाई जो अपने डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल डाल देते हैं, दोबारा से फिर कंफर्म ईमेल, ऑक्यूपेशन में बिजनेस डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जैसे हमारा मोबाइल नंबर है 9017490008। अब यहाँ पे मैं टाइप ऑफ पासपोर्ट, पहले देख लो ये कैसे डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ही ये शो कर देता है कैसे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है। टाइप्स ऑफ पासपोर्ट में हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट डालेंगे,
पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ भी डाल दीजिए अभी एग्जाम्पल। और यहाँ पे अटैच करना होगा हमें पासपोर्ट, जैसे हमने कुछ पासपोर्ट रखे हुए यहाँ पे, ये है पासपोर्ट, ये डाल देते हैं यहाँ पे, ये अटैच हो गया पासपोर्ट। इंफॉर्मेशन ऑन डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर 10 ईयर ओल्ड, इसको नेक्स्ट कीजिए। अभी आगे आ जाते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट, इसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वैक्सीनेशन की, कौन सी वैक्सीन लगी आपको, कोविशील्ड डाल देते हैं, डेट ऑफ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, ये कब आपको वैक्सीन लगी हुई है, तो हम इसको एज एग्जाम्पल डाल देते हैं। अपलोड करना होगा वैक्सीन सर्टिफिकेट, यहाँ से वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इसको टिक मार्क कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पे होटल इंफॉर्मेशन डालनी होगी हमें, एड्रेस इन थाईलैंड, जैसे हम कहाँ भी जा रहे, कौन से एरिया में जा रहे हैं, जो भी आपका होटल का एड्रेस होगा वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमें मेडिकल इंश्योरेंस डालना होगा, टिक कीजिएगा, और ये जो इंश्योरेंस होगा एटलीस्ट 10,000 USD कवरेज का होगा, नेक्स्ट कीजिए। अब इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हम 3 फाइल्स और अटैच कर सकते हैं, लाइक आपका होटल कंफर्मेशन हो गया, फ्लाइट टिकट हो गई, ये फ्लाइट डाल रहे हैं अभी हम इसमें, आप इसमें होटल्स का डाल सकते हो, फ्लाइट्स का डाल सकते हो, और इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ये आपका डिटेल आ गया सारे, एक बार प्रॉपर से चेक कर लीजिएगा और सबमिट कर दीजिए। आपके पास ये नंबर आएगा और 4 से 5 घंटे नेक्स्ट डे तक आपका थाई पास आ जाएगा, और जो आपका थाई पास आएगा वो एज ए QR कोड में आएगा, और आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ ये कैसा रहेगा आपका, इस टाइप का आपका थाई पास आएगा जो आप ट्रैवल कर सकते हैं। इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन पहुंचते रहे नई नई वीडियो के लिए, और ट्रैवल से रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहे। थैंक यू।